भी हमने फाइनली कॉटेट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने सीख ही लिया। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में फाइनली लुईस स्ट्रक्चर्स बनाके देखेंगे बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की। उसमें ना सिर्फ हम लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वो बहुत सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज भी निकाल के देखेंगे, उसमें कितने लोन पेयर बचे हैं उस स्ट्रक्चर में, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, वो हमको देखने निकाल के। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विद O3, ओजोन। ओजोन की स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा सोच रहे हैं हम लोग, उसका सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, किसी का भी लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेने हैं। इस मॉलिक्यूल पे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, कितने हो सकते हैं। तीन यहां पर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। ओवरऑल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें अपनी लुईस स्ट्रक्चर में दिखाने हैं। 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें अपनी लुईस स्ट्रक्चर में दिखाने हैं, क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखिए, और हम जानते हैं कि हर एक ऑक्सीजन को बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको वो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। तो देखिए बड़ा आसान है, अगर हम इसको सोचने जाएं तो ये बात तय है कि एक ये वाली ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाकर अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगी। अपना अपना ऑक्टेट पूरा किया तो इनके पास लोन पेयर्स कितने बच गए, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके पास भी 2 और उसके पास भी 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 तो लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 8 हो गए, इसका भी पूरा है। अभी एक ऑक्सीजन और बची, तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब इनकी खुद की इलेक्ट्रॉन्स की जो हंगरनेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर इस ऑक्सीजन की भी हंगरनेस कंप्लीट है, इसकी भी। अब इनमें से कोई भी एक उस ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, एक बॉन्ड पेयर जिसके पास है, ध्यान से उसको देखिए, जो तीसरा ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल 6, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए 2 चाहिए, जबकि ये दोनों क्या है, सैटिस्फाइड है। इन दिस केस ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर डोनेट करता है, इस ऑक्सीजन की क्या करता है, मदद करता है। तो फाइनली ये यहां पर एक बॉन्ड और बनाएगा, क्लियर। और मैंने आपसे कहा था, आप लोग अगर लास्ट वीडियो तक देखे होंगे, तो जो देता है उस पे क्या साइन आता है, प्लस का, और जो लेता है उस पे क्या साइन आता है, माइनस का। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। अब जरा चेक करिए, ओवरऑल इसको यू बनाया जाता है। तो फाइनली अगर हम लोग पूरे मॉलिक्यूल को चेक करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्यों O3 के ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं देता, तो टोटल चार्ज जोड़िए आप, टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं, 0। इस पे कितना है, +1, और उस पे कितना है, -1, ओवरऑल कितना हो गया, 0। चलिए अब हमने ये कैलकुलेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 18। तो क्या है, जरा चेक करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो गए हमारे स्ट्रक्चर में। आपको मैं बता देता हूं ये बात, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी ओवरऑल 18 होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी है हर एक बॉन्ड में दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 18। अब हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, जबकि हमें यहां दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमने स्ट्रक्चर सही बनाई है। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, 0, लेकिन ओवरऑल अगर एटम्स पे चार्ज की बात करें तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, +1, ये ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1, जबकि इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 0, वो हम लोग फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 ऑक्सीजन है, और ये नंबर 3 ऑक्सीजन है। तो मैं हर किसी एटम के लिए क्या कर रहा हूं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो लेट अस सपोज मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए, Fe1 नाम दे देता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पहली ऑक्सीजन रही, तो कैलकुलेशन देखिए, इस ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, क्लियर है। तो पहले ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, वो तो हम जानते हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्सीजन में अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो मैं यहां लगा देता हूं 2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बनाए हैं उतने, तो यहां पर कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3, तो कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 कैसे आया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आया, नाउ लुक एट 6 - 2 - 3, दिस इज +1, यही मैंने आपसे कहा था,
जो देता है उसका प्लस वन का चार्ज है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। तो बेसिकली इसकी शॉर्टनिंग क्या होगी, जो दे रहा है उस पर प्लस वन, जो ले रहा है उस पर माइनस वन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपको आइडिया हो जाता है फॉर्मल चार्ज का, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकाल भी सकते हो। ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है अच्छे तरीके से। लेट अस सपोज में एफ सी टू निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है फॉर्मल चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन ये है हमारे पास, सेकेंड ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। सेकेंड ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे छह। यहाँ पर फिर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जरा चेक करिए टोटल कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, छह। तो सिक्स माइनस सिक्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक ही बॉन्ड बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है तो कितने इलेक्ट्रॉन दो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो, टू डिवाइड बाई टू। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, यहाँ से साफ दिख रहा है कितना आया, माइनस वन। तो सेकेंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, माइनस वन। नाउ वी विल सी फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, लोकेटेड ये तीसरे ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, छह, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, दो और दो चार, तो माइनस फोर, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाए दो, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे चार, फोर डिवाइडेड बाय टू, तो ये कितना आ गया ओवरऑल जीरो, जरा कैलकुलेट करिए आप, जीरो। क्लियर है सबको? अब फाइनली हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ, अब इसी में क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। तो जब आपसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन पे कैलकुलेट नहीं करना, सभी के ऊपर कैलकुलेट करना। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स मान लो कि दो इसके ऊपर है, एक इसके पास है, दो और एक कितने हो गए तीन, तीन इसके पास है छह। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए छह। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज वेरी इजी, कितने बॉन्ड बनाए इसने तीन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए तीन, तीन ही बॉन्ड बनाए। तो इस तरह से हम लोग O3 की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इसके बाद ले रहे हैं HNO3 का, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जरा देखें नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहली चीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एटम पे जोड़ के कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1, नाइट्रोजन कितने होते हैं 5, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, इनटू क्या करेंगे 3, तो कितना हो गया टोटल 18 प्लस 6 दैट इज 24, यानी कि हमें लुईस स्ट्रक्चर में 24 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, लुईस स्ट्रक्चर में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल 24 होने चाहिए। अच्छा यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा इन दोनों में से जो भी जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हमारे लिए सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन को उससे दूर रखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे लिए सेंट्रल एटम होगा। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। चलिए तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन को पुश कर देता है ये लो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया इसने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर कितने बचे, दो, चार इलेक्ट्रॉन्स, बाकी इसने दो यहाँ पर डोनेट, यहाँ पर शेयरिंग कर ली दो इलेक्ट्रॉन्स की, इस नाइट्रोजन ने भी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अच्छा अभी दो ऑक्सीजन और बाकी, एक ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पर ओवरऑल, ये ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या किया बेसिकली, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करके सिंगल बॉन्ड और बना लिया। अच्छा अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और है तो वहां पर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी जरूरत है और इसको भी एक और बॉन्ड बनाना था तभी इसका ऑक्टेट पूरा होता, तो यहाँ पर इसने क्या किया दो बॉन्ड यहाँ पे बना लिए इस ऑक्सीजन ने, इस ऑक्सीजन ने, तो फाइनली इसके पास लोन पेयर कितने बचे, ये एक और ये दो, तो फाइनली इसके पास भी बच गए, तो हमारे पास कितने हो गए एक ऑक्सीजन और बाकी। फाइनली उस ऑक्सीजन को देखेंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी बाकी है, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो अभी दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी है नाइट्रोजन के, हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या है इसके पास ओवरऑल कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन को देखिए जरा, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, ये लोन पेयर बाकी है इसका नाइट्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दो चार इलेक्ट्रॉन, दो छह और दो आठ, इसका ऑक्टेट पूरा है। जब सेंट्रल एटम में अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो उसके बाद वो अपना लोन पेयर अगर बचाओ तो वो डोनेट कर सकता है, यहीं से इंपॉर्टेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके पास है
इसको चाहिए, तो क्या करेगा ये, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या कर देगा, शेयर कर देगा और एक ऐसा बॉन्ड बना देगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गया। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसको आप लोग यू भी दिखा सकते हो कैसे, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, इनके लॉन्ग पेयर्स में यहाँ दिखा देता हूँ, एक दो एक दो एक दो एक दो, हो गया। और यहाँ पर जो देता है उसको क्या चार्ज आएगा, प्लस, और जो लेता है उसको क्या चार्ज आएगा, माइनस। इसी तरह से इसको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग पेयर तो बचे नहीं, माइनस, और यहाँ पर कितने, एक दो तीन चार पांच और छह, पांच और छह, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज ही नहीं किए। नाउ लुक एट इट, नाइट्रोजन ने इसको दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यहाँ पर शेयर कर लिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑलरेडी कंप्लीट था। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ओवरऑल टोटल चार्ज निकाले मॉलिक्यूल में फंसो, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है, इस पे 0 0 0 प्लस 1 एंड माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, HNO3 न्यूट्रल होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाने हैं, 24, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 24 हुए कि नहीं हुए। तो जरा चेक करिए, यहां पर देखिए, यहां पर भी है ना दो इलेक्ट्रॉन्स इतने दिए, तो जरा चेक करिए, 2 2 4 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 और 2 24, 24 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए, सारे अरेंज भी हो गए, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, वैसे हमें पता है फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे कितना है, प्लस 1, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन ये हमें निकालना है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सब भी इसने क्या किए, शेयर कर लिए, तो 0, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बनाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने, 4 दिखाई दे रहे, तो 4 into 2 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो जरा कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा, प्लस 1, दिस इज प्लस 1। नाउ वी विल सी, यहां पर ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रही है जिस पे हमको ऑलरेडी माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, प्रूव करते हैं कि माइनस 1 होगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, कौन सा वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए कितने हैं, 2 तो 4 तो 6, 6 के 6 ही हैं, तो वो काम ही नहीं है इसमें, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 1, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना चार्ज आ गया, माइनस 1। क्लियर। इसी तरह से बाकी पे कैलकुलेट करेंगे, किसी पे भी तो 0 आएगा। क्लियर। चलिए लास्ट हमारे पास है, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर्स देखिए, 2 तो इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, इसके पास नहीं थे, और इस ऑक्सीजन में 2 तो 7, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर्स कितने हो गए, 7, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर जरा चेक करिए, कितने बॉन्ड बने हुए हैं ओवरऑल, 2 ये रहे, 2 3 4 5 5, कैलकुलेट करोगे तो 24 आएगा। क्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिंपली पूछ ले कि HNO3 में टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, इस तरह से पूछा जाता है, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन भी आपसे करवाई जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ। ना हमारे पास लेटर सपोज पूछा गया आपसे NO2-, इसके लिए आपसे पूछा कि इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मल चार्जेस बताओ, और लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर कितने होंगे वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन दोनों में से कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वैल्यू क्या होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन का क्या मतलब है उसको हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमें शो करना है लुईस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, अब यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, नाइट्रोजन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, कितने ऑक्सीजन है, 2। अब यहां पर क्या करना है, अगर ऊपर कोई चार्ज है, अगर ऊपर कोई चार्ज है तो अगर माइनस का है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास, तो वो भी जोड़ देना,
तो कितना हो गया प्लस वन, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो फाइनली एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर जो माइनस का साइन आया है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां पर क्या सेंस है समझने का, मतलब क्या है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा किसके पास, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 तो एक ऑक्सीजन के पास होते ही हैं, एक एक्स्ट्रा तो कितने हो गए 7, तो उसको रिक्वायर्ड कितने हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जरा ध्यान से देखिए यहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर क्या बताते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम आगे क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अब दो ऑक्सीजन बनाने हैं सिंपली, तो एक ऑक्सीजन के साथ तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाकर इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, इस ऑक्सीजन ने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, और देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोर पेयर इसके पास बच गया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, दो यूज किए हैं, ठीक है, दो चार और तीन उसके पास बचे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक ऑक्सीजन बचा जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, एक ही तो बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाएगा सिंगल, ऑलरेडी उसके पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यूज कर लिया, तो कितने बचेंगे 6, जरा ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो इसके ऊपर क्या था, एक माइनस का साइन, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसने लगाया होगा, नाइट्रोजन ने, तो यहाँ पर जो तीनों बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं NO2 के अंदर, NO2 माइनस के अंदर, ये तीनों बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कारण क्या है कि इस ऑक्सीजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जबकि इसको दो थी, तो इसने अपना दो बॉन्ड बना के कंप्लीट किया, इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बना के कंप्लीट कर दिया, तो फाइनली इसके पास लोन पेयर कितने बच गए, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से देखिए इस नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया कि नहीं किया, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन ने भी कर लिया, इस ऑक्सीजन ने भी कर लिया, 2 2 4 2 6 और 2, कितने हो गए 8, और माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि वहां भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, चार्ज है लेकिन कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बहुत ही केयरफुली इस चीज को नोट डाउन करना, माइनस का साइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देना, किसी भी एक ऑक्सीजन को। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करें और मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज और मॉलिक्यूल, तो टोटल चार्ज कितना है, क्या नाइट्रोजन पे चार्ज है, नहीं, क्योंकि उसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया, इस पे है नहीं, इस पे है यस, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया माइनस। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमने अभी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 18, तो क्या 18 है, नाउ लुक एट इट, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है इस पूरी स्ट्रक्चर में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के, ठीक। चलिए अब जिस पे चार्ज दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यहां से मैं ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं, कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 2 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया ओवरऑल -1 चार्ज। अब आप बाकी को भी निकालिए, नाइट्रोजन पे 0 आएगा फर्स्ट, जैसे ही लेटर से पता फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, तो माइनस का 2 ओके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 तो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 तो ओवरऑल कितना हो गया 5 माइनस 2 माइनस 3 इट इज 0, ये तो था इस पे 0 है, सो माइनस 1 इस पे भी 0 आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, तो ये अनदर एग्जांपल हुआ जो कि कैसे सीसी का है, बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे ऊपर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है CO3 माइनस 2 का, इसका हमें क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताना है, तो जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के थ्रू, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6, टोटल ऑक्सीजन है कितनी 3, माइनस का 2 लगा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको भी जोड़ दो +2, तो टोटल कितना हो
है, देखिए 6 = 18, 18 + 4 = 22, 22 = 24, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स आपको अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं। अच्छा, यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन, तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर ये कार्बन। अच्छा, इस कार्बन के पास ओवरऑल 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और खास बात देखिए जरा ध्यान से, 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 माइनस का साइन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी 2 ऑक्सीजन के पास है, जरा समझिए इसको, दिस कांसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 माइनस का साइन है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे किसके पास, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अच्छा, ओवरऑल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, एक एक्स्ट्रा मिल गया एक ऑक्सीजन को, तो कितने हो गए 7, अब उसको कितने चाहिए, सिर्फ 1, यानी कि इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसी होंगी जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगी। अब जरा चेक करो, यहां पर सबसे पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए इस ऑक्सीजन ने, ये कैसी ऑक्सीजन है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत ही इसने बना लिया, सो लोन पेयर कितने बचे, 2, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, जरा ध्यान से इसको देखिए, 2 = 4 + 6 = 8 दिखा देता हूं, क्लियर है सबको, 8, तो इस ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस कार्बन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और बाकी जो बची हुई 2 ऑक्सीजन है उनको भी 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जरा चेक करिए, यहां पर एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, तो इस पास 7 थे ना ओवरऑल, 2 एक्स्ट्रा थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी कि इस पास 6 थे तो 7 हो गए, इसके पास भी 6 थे तो 7 हो गए, इसको एक ही जरूरत थी, इसने एक बॉन्ड बना लिया, तो ओवरऑल 6 बचे, तो 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां पर क्या हुआ, माइनस का साइन, इसी तरह से इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो माइनस का साइन। सबसे खास बात यहां पर यह है कि इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहां पर भी बॉन्ड में क्या लगे हुए हैं, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 24, 24 इलेक्ट्रॉन्स के साथ लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें यहां पर चार्जेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रक्चर भी बन गया। ओवरऑल अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज नाउ स्पीसी कितना आ रहा है, जरा चेक करिए, इस कार्बन पे चार्ज कितना है, 0, इस ऑक्सीजन पे 0, इस पे -1 -1 -1 + -1 कितना हो गया, यहां पर -1 कितना हो गया, -2, जो आपको स्पीसी भी दिखाई दे रहा है, क्लियर है, तो ओवरऑल चार्ज है, तो इस माइनस को हटा के यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस पूरी स्पीसी पे -2 लगा देते हैं, इस तरह से इसको कंबाइन करके लिख दिया जाता है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज हमें पता है कि ये तो ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों ऑक्सीजन पे -1 है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कार्बन का सेंट्रल एटम का भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, हमें पता है कि -1 है, वही प्रूव कर रहे हैं, तो 6 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6, चलिए 6, अच्छा माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने, 1, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 / 2, आंसर कितना आ रहा है, -1, इसी तरह से ऑक्सीजन में कितना आएगा, -1। चलिए अब नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम यानी कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो 4 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब इसने क्या कर लिए, यूज कर लिए, तो कितना हो गए, 0, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने लोगे कितने बॉन्ड बनाए, 4, तो कितना हो गया, 8 8 / 2, तो कितना हो गया, 0, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। फाइनली टोटल लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर में टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, टोटल लोन पेयर्स देखिए, लोन पेयर 2 तो इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो 8 लोन पेयर। अच्छा बॉन्ड पेयर कितने हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर जितने बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, तो 4 ओवरऑल 24 आना चाहिए, 8 2 16 4 2 8 कितना हो गया, 24, तो इस तरह से CO3- को डिफाइन किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर पर चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जरा उसको देखते हैं। हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पर सबसे पहले को नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें, नंबर ऑफ टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स
कितने हो गए, कार्बन के पास कितने होते हैं चार, एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन के पास छह, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं लुईस जोर स्ट्रक्चर के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं, इसमें से लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, कार्बन, तो कार्बन हमारे लिए क्या होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, वैसे भी इसमें दो ही है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन तो कोई वैसे मीनिंग नहीं है, पर जरा ध्यान से देखिए इस कार्बन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन खुश हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब इसके पास कितने बचे हैं, जरा ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर इसके पास दो लोन पेयर बच गए और दो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 8, इसका जरा ध्यान से देखिए इसके पास तो एक लोन पेयर है और दो इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के, जरा ध्यान से चेक करिए यहाँ पर अगर इस कार्बन की बात करूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्यों, 2, 2, 4 और 2, 6, जबकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसका नहीं है, इन दिस केस वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसको चाहिए तो क्या करेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से ये दोनों हटे और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ, ओवरऑल यहाँ दो कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देता है उसको प्लस का साइन, जो लेता है उसको माइनस का साइन, तो आजकल ये मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको जो दिखा दिया जाता है यहाँ पर वो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्लियर, और यहाँ पर क्या हो गए लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक ही लोन पेयर, तो इस तरह से इसका लुईस जोर स्ट्रक्चर बनता है, ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करो, टोटल चार्ज कितना होगा, कार्बन पे -1, ऑक्सीजन पे +1, टोटल कितना हो गया, वेरी इंटरेस्टिंग, कितना हो गया 0, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके बावजूद भी इसमें +1 चार्ज और इसमें -1 चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज है, इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ओवरऑल यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगे हुए हैं, दो यहाँ पर लगे हुए हैं, दो यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरे 10 होने चाहिए, कैलकुलेट करो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, और फाइनली हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करें जरा ध्यान से देखिए कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, तो 6 लगा दिए यहाँ पर, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 2, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बनाए उतने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, माइनस कितना हुआ, ये 3 बनाए तो 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर कैलकुलेट करो कितना, 6 माइनस 2 माइनस का 3 कितना आ गया +1, ये आपको ध्यान रखना, मैंने डेफिनेशन में ही सिखाया था, हालांकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ने दिए हैं, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन में सिखाया फॉर्मल चार्ज में कि आपको ये मान के चलना है कि ये इक्वली शेयर्ड है फॉर्मल चार्ज के लिए, क्लियर, और वैसे भी मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या मान लिया गया है कि हमको फर्क नहीं पड़ता कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, क्या इन दोनों ने दिए या किसी एक ने दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है, बस अगर आपके इन पर चार्जेस नहीं है तो इक्वली शेयर्ड है, और अगर चार्जेस है इसका मतलब उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किसी ने दिए हैं और किसी ने नहीं दिए, बस सिंपली इस तरह से आपको देखना है, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, तो 4 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 माइनस 2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नाउ लुक एट इट, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कितने हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से चेक करिए 3 बॉन्ड बनाए हैं, आपको ये नहीं देखना कि ऊपर वाले में इसमें दिया है, यही मैंने डेफिनेशन में सिखाया था फॉर्मल चार्ज को, तो कितने हो गए 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करते हैं हम लोग 4 माइनस 2 माइनस का 3, तो कितना हो गया -1, तो कार्बन पे एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है -1, नाउ वी विल सी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, टोटल लोन पेयर कितने हो गए, टोटल लोन पेयर कितने हैं जरा स्ट्रक्चर में देख लीजिए, एक ऑक्सीजन के पास एक कार्बन के पास, कितने हो गए 2, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिला के हो गए टोटल पेयर्स कितने हैं 5, 5 × 2, 10, यही है हमारे पास कैलकुलेशन, क्लियर, तो थैंक यू सो मच, इस तरह से हम लोगों ने क्या किए, लुईस स्ट्रक्चर सीखी और फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा, और फाइनली हम लोगों ने नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सीखा, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपको दूंगा, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.